तीन मेंबर बेंच के सामने चीफ जस्टिस की सरबराही में मिसिंग पर्सन इन फोर्स डिसअपियरेंसेस के तीन केसेस सुने गए, जिसमें मेरा भी केस था, जो एक आईनी पिटिशन है आर्टिकल 183(4) के तहत, और जिसमें मैंने तीन इस्तदा की है, तीन बातों की। एक वो जो क्रॉनिक केसेस के हवाले से बात की है कि जिसमें कि मसूद झंझुआ और मेरे शौहर शामिल हैं, कि उनको समाअत के लिए लगाया जाए। फिर दूसरी इस्तदा ये की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम होलिस्टिकली तमाम केसेस का नोटिस ले, जो भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, चाहे वो कमीशनों में हों, चाहे वो अदालतों में हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हों, मगर क्योंकि वहाँ पर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो एक बंद गली में जा चुके हैं। तो हमने, क्योंकि स्टार्ट 2005 में सुप्रीम कोर्ट से ही हुआ था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसका सो मोटो नोटिस लिया था, तो इसलिए जब हाईएस्ट फोरम पे आपका केस जाए तो आप उसके बाद एक नीचे के फोरम पे नहीं जाते। तो यही हमारी इस्तेदा थी कि आप इसको वापस सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएँ, होलिस्टिकली तमाम इंटरमेंट सेंटर के केसेस, तमाम हाई कोर्ट के केसेस और तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर केसेस, जिनके लिए आगे कोई रास्ता खुला नहीं है। 750 आज पता चला कि 750 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, कर दिए गए हैं गुज़िश्ता 11 सालों में, मगर आगे उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको पेश नहीं किया गया। जिन जिन इदारों के ऊपर नोटिस दिए गए ISI को, MI को, मगर वो उन लोगों को लेकर नहीं आए। उसके बाद का होना ये चाहिए था कि कमीशन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता, कोई FIR लॉन्च करता, कोई कुछ, मगर उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। तो मेरी इस्तेदा यही है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी अगर इफेक्टिव होता तो, जब ये 2011 में इसने स्टार्ट लिया था उस वक्त 134 केस थे, 134 के बाद आज इनके 10,086 केसेस हो चुके हैं। तो अगर ये इफेक्टिव होता तो ये सारे केसेस ख़त्म हो चुके होते, तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं कस्टडी के अंदर, और अभी भी 2000 के करीब जो है वो पेंडिंग है। इसी तरह जो मेरे अपने डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के स्टेटिस्टिक्स हैं, उसमें भी 3000 केसेस में से 1380 केसेस हमारे पेंडिंग हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने सदा की थी कि, और फैक्ट शीट साथ लगाई है मैंने अपनी पटिशन के, कि ये फैक्ट शीट है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स लगाई हैं, उनमें जिन जिन में हुआ था कि स्पेशल बेंच बनाया गया था, स्पेशल बेंच के बाद जब कमीशन को हवाले किए गए थे उसकी तमाम तफसीलात दी गई हैं कि किस तरह से उस वक्त से इंसान का जो इंसाफ का गला है वो घूटा गया था। 2018 से जब इंसाफ का गला घूटा गया था तब से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और इसीलिए हम लोग वापस सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं ताकि इसको केस टू केस बेस के ऊपर यहाँ पर चलाया जाए, पॉलिसी डिसीजन आए कि क्या आया कि ये कि एक अनऑफिशियल किस्म की, अनडिक्लेयर्ड किस्म की पॉलिसी बन चुकी है गवर्नमेंट की। जितने भी दौर गुजरे हैं, परवेज मुशर्रफ का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, फिर नवाज शरीफ का दौर था, फिर इमरान खान का दौर था, फिर कोलिशन गवर्नमेंट और ये केयर टेकर गवर्नमेंट, इसका सिलसिला नहीं रुका। इसका सिलसिला नहीं रुकने का मतलब ये है कि ये स्टेट पॉलिसी है, और जिस तरह जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कि क्यों ना हम आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करें इन तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव पर, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो परवेज मुशर्रफ से लेके आज दिन तक जितने भी वजीर आजम हैं वो बनते हैं। तो यही इसका हल है कि जब तक कोई केसेस नहीं बनाए जाएंगे परपेट्रेटर्स के खिलाफ, ये मसला हल नहीं होगा। और मैं ये भी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएं कि अदालत आपके लिए क्या करे, तो मैंने उसे ये कहा कि मैं सच जानना चाहती हूँ कि कौन जिंदा है, कौन नहीं है, कौन कहाँ है, मेरा शौहर कहाँ है। आखिर 18 साल के बाद मुझे इतना तो हक पहुंचता है कि मुझे ये पता हो, मैं बच्चों को ये पता हो, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। कमीशन के हवाले से आपसे सवाल किया गया कि क्या अभी तक कमीशन की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं या नहीं हैं। तकरीबन 2011 से ये कमीशन काम कर रहा है, दो तनख्वाहें वो ले रहे हैं, पेंशन अलग ले रहे हैं, कारकर्दगी उनकी सिफर है। आपका जितना इंटरेक्शन हुआ इस कमीशन के साथ, क्या आपने महसूस किया और आपको क्या जवाब वहाँ से दिया गया इस केस के सिलसिले में? जी
हम लोगों ने तो यही उठाया इनके कमीशन की अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। वहाँ पर एक ऐसा जज है जो कि वाकई में वो उसको 10 साल हो चुके हैं अपनी रिटायरमेंट के एज गुजार के। तो आपको बताया कि रिटायरमेंट इसीलिए उस एज में दी जाती है जो कि आपके आसाब जो है वो इतने होते हैं कि वो प्रेशर ले सकें। तो एक इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर ऐसे जज को लगाना ये भी मुनासिब नहीं है। फिर इसमें कोई फैमिली मेम्बर्स शामिल नहीं है। कमीशन के अंदर विक्टिम फैमिलीज के फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए थे। फिर 750 प्रोडक्शन ऑर्डर, आप खुद सोचें, अल्लाह का खौफ करें कि आगे वो डेड एंड है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा आगे। 134 से शुरू हुए थे, आज 10,086 के ऊपर बैठे हुए। तो 10 साल में ये तो एक मुझे लग रहा है कि ये 10 times ज़्यादा हो गई है जबरी गुमशुदगियाँ। तो इसकी तो अफादियत 0/0 है। तो फ़ायदा मंद तो तब होता जबकि ये मसला ख़त्म हो जाता, स्टॉप लग जाता। जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी हुकूमत में इसमें स्टॉप नहीं लगा और ये कमीशन ने उसको उसकी सरपरस्ती करता रहा है इनफोर्स डिसअपीयरेंस की, क्योंकि उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा सेटअप है, उनको पेंशन भी मिल रही है, उनको तनख्वाह भी मिल रही है, तो वो तो यही चाहेंगे कि ये सिलसिला चलता रहे। तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर केसेस के ऊपर फौरी तौर पर नोटिस जाना चाहिए। और इसी तरह जो हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं जिनका कुछ नहीं बन रहा, पूरे साल में 2023 में हाई कोर्ट में सिर्फ एक हियरिंग दी गई है। तो अगर ये इनका 30 साल मंसूबा है इंसाफ देने का तो हमें ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए। इसीलिए वो तमाम केसेस हम डायरेक्शन चाहते हैं मौजूद अदालत से कि वो डायरेक्शन दें कि हाई कोर्ट के पेंडिंग केसेस को 2 हफ्ते के अंदर अंदर निपटाया जाए ताकि हम लोगों के पास रास्ता हो इस अदालत मौजूद अदालत में आने का। 18 साल आपको हो गए, लेकिन ये बताइएगा कि आपको कभी भी एक दिन ये महसूस हुआ हो कि हाँ ये मुकदमा या जदोजहद सही ट्रैक पर है और इसको गवर्नमेंट या अदालतें सही उस रास्ते पर लेकर जा रही हैं या जाना चाहती हैं? कभी आपको तसल्ली हुई है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है? कभी सेटिस्फेक्शन हुई इस सारे निज़ाम से? काफ़ी बीच में काफ़ी अच्छा ट्रैक में भी चला इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, फिर जस्टिस जवाद एस्कॉजा के ज़माने में रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग्स होती थी। तो उसमें तो आए दिन लोग जो लापता थे वो जबरी गुमशुदा लोगों का पता भी चल रहा था। मतलब एक एक हफ्ते में 8-8 लोग जो थे वो ट्रेस होते थे। तो उस वक्त बड़ी उम्मीद बन गई थी कि मेरे ख्याल में अब ये वो माहौल बन गया है कि सब लोग इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। और अभी भी एक लंबे अरसे के बाद यानी कि 2018 के बाद आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वापस